सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। सो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मसाला अगरबत्ती के कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर, और इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है हमारा मसाला अगरबत्ती कौन सा रहा, क्योंकि रिसेंट में हमने काफ़ी जो है मसाला अगरबत्ती सेलिंग की, और इसी के साथ साथ जो है अलग अलग जगह से जो है कस्टमर के काफ़ी अलग अलग जो है रिव्यू आए कि हमको ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगा, तो किसी को कोई और प्रोडक्ट जो है उनको अच्छा लगा। सो इस तरीके से जितने भी कस्टमर के एक बेस रिव्यू थे ना, उसको मैं आप सभी के बीच में शेयर करने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप अगर मसाला अगरबत्ती में काम करते हो सो आपको फ्रेग्रेंस या फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में ज़्यादा समय ना लगे। सो फिर वीडियो की करते हैं जल्दी से शुरुआत, और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। सो फिर बात ये होती है कि मसाला अगरबत्ती हर किसी को जो है पसंद होती है, और इसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ साथ एक आरोमेटिक फ्रेग्रेंस मैं बोलूँगा। सो फिर लोगों को काफ़ी अच्छा जो है ये पसंद आता है। हालांकि प्राइस के मामले में इनकी जो प्राइस मैं बोलूँ तो थोड़ी सी हमारी जो ब्लैक अगरबत्ती होती है या फिर वाइट अगरबत्ती या कलर अगरबत्ती, सो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं, और एक्सपेंसिव होने के साथ एक अच्छा क्वालिटी भी होता है। सो जिस प्रोडक्ट में जिस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाएंगी, इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग जो है होती हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपने तरफ से एक सही प्राइस में कस्टमर को दें, जो रीज़नेबल प्राइस हो, कस्टमर को भी उसको सेलिंग करने पर कुछ प्रॉफिट आए, और उनके जो कस्टमर हैं वो कंटिन्यू जो है ऑर्डर उनको करते रहें। सो फिर यही है मसाला अगरबत्ती सेलिंग करने का एक छोटा सा सोच, और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रॉफिट लेकर जो है कस्टमर को कुछ अच्छी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाए, और इसमें आप सभी का हमेशा से सहयोग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इस मसाला अगरबत्ती के रेंज को पसंद किया हुआ है। और इसके साथ मैं बोलूँ तो मुझे अभी जिस तरीके से 12 से 15 फ्रेग्रेंस हम लोगों ने स्टार्टिंग बेस में लॉन्च की, और स्टार्टिंग बेस में लॉन्च करते ही काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग जो है अपनी राय रखी हुई है, और कुछ प्रोडक्ट जो है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग में रहते हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ जो है नए प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अभी आने वाले हैं। रिसेंट टाइम में इसकी जो है तैयारियाँ चल रही हैं, और ये भी काफ़ी जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इसके बारे में, तो ये है हमारे पास मैसूर सैंडल, जो कि काफ़ी अच्छा लोगों ने पसंद किया, और पसंद करने के साथ में ये हमारा बेस्ट सेलिंग में प्रोडक्ट कहूँगा, और ये हमारे पास ज़्यादा दिन रहता भी नहीं है। जो भी कस्टमर जो है जो इनकी क्वालिटीज़ जान चुके हैं वो बहुत जल्दी इनको उठा के ले जाते हैं, और जो है स्टॉक में ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ये है हमारे पास मैसूर सैंडल, उसके बाद है हमारे पास लवेंडर। लवेंडर एक बेस फ्लावरी नोट है, और एक अरोमेटिक के साथ एक आपको फैंसी और थोड़ा सा जो है मैं बोलूँ तो फ्लावरी नोट इसमें देखने को मिलेगा, और लवेंडर की जो एक्चुअल में खुशबू होती है, जो उसकी एक यूनिक फ्रेग्रेंस जो आती है वो इस लवेंडर में है, और ये भी हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट जो है। और उसके बाद जो आगे हम बात करते हैं, तो ये है हमारे पास सिल्वर कोटिंग में न्यू प्रोडक्ट मल्लिका। मल्लिका थोड़ा सा आरोमेटिक्स फ्रेग्रेंस मैं बोलूँगा, और ये मॉर्निंग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है, चाहे आप मेडिटेशन के लिए यूज़ करें या फिर आरोमेटिक मैं बोलूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और एक यूनिक फ्रेग्रेंस इसमें से आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा फैंसी नोट्स में आएंगी, थोड़ा हार्ड नोट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो ये है हमारे पास मल्लिका मसाला फ्लोरा। नेक्स्ट है हमारे पास गुलाब पंखुड़ी। गुलाब के बारे में मैंने काफ़ी सारे मसाला अगरबत्ती की वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था,
और इसकी फ्रैगनेंस के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये बेसिकली इसका नोट जो है आपको गुलाब की जो पत्तियां होती हैं, सो उस पत्तियों को जो है हाथ में लेने से जो एक्चुअल में जो गुलाब की फ्रैगनेंस होती है ना, वो फ्रैगनेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमने नाम इसमें दिया हुआ है गुलाब पंखुड़ी। ये भी हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और फ्लावरी और एक स्वीट फ्रैगनेंस के साथ काफ़ी अच्छा गुलाब रोज़ का एक अच्छी खुशबू इसमें से आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं तो ये है वेद। जिस तरीके से मल्लिका को मैंने बताया एक मॉर्निंग टाइम के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए प्रोडक्ट है, या फिर एक घर में शांत माहौल है, या फिर आप जो फ्रैगनेंस को एक लाइक मैं बोलूँ तो फ्री होके उसको समझना चाहते हैं, तो ये उनके लिए खासा प्रोडक्ट रहा। और ये वेद जो है काफ़ी अच्छा जो है लोगों का इसमें रिस्पॉन्स रहा। आगे मैं बात करूं तो ये हमारे पास कांसी। कांसी धूप जो है एक टाइप का, पहले के टाइम पे क्या था कि इसकी छोटी छोटी टीकियां आती थी जो कि कांसी धूप के नाम से जानी जाती थी, और इसी के साथ फिर इसे जो है अगरबत्तियों में कन्वर्ट किया गया, और जो है इसका भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट लोगों की आती है। और इनका फ्रैगनेंस काफ़ी यूनिक है, ना तो मैं इसको फ्लावरी बोलूँगा, ना तो मैं वूडी बोलूँगा, ना तो स्वीटी बोलूँगा। ये जो है कुछ यूनिक फ्रैगनेंस के साथ एक अच्छा मैं बोलूँ तो वातावरण में काफ़ी अच्छा इसका फ्रैगनेंस जो है आता है, और ये हमारा एक बेस्ट सेलिंग भी प्रोडक्ट है और बेस्ट प्राइस इसमें आपको मीडियम प्राइस के साथ में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ये हमारे पास कांसी धूप। आगे हम बात करेंगे तो ये हमारे पास स्वीट वनीला। वनीला मींस आप देखे भी होंगे तो काफ़ी सारी जो है मिठाइयों की दुकानों पे या फिर जो मिठाइयाँ आप खाते हैं उसमें काफ़ी सारे एक स्वीट फ्रैगनेंस निकल के आती हैं, सो उसी टाइप की ये फ्रैगनेंस आपको देखने को मिलेंगी, जिसका नाम भी हमने दिया हुआ है स्वीट वनीला। और ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रोडक्ट रहा। नेक्स्ट है हमारे पास रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी अपने आप में एक यूनिक अगरबत्ती है, मसाला अगरबत्ती है, और इसका भी काफ़ी अच्छा जो है लोगों ने रिस्पॉन्स किया। सो कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास मसाला अगरबत्ती की ये रेंज थी। हमारे अभी के लिए ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। इसमें से किसी भी प्रोडक्ट के लिए के बारे में आपको जानने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।